नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो यहाँ देखिएगा, हमारे पास ब्रेड होती है। ब्रेड के अक्सर हम स्लाइस निकाल देते हैं ये साइड से, तो इनको हम क्या करते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह बना लेते हैं या ब्रेड फ्रेंच फ्राइड बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक नई रेसिपी बताने वाली हूँ, इस तरीके से जब आप ये ब्रेड के स्लाइस इस तरीके से बचा करके तैयार कर देंगे तो इसे फेंकेंगे नहीं या ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं बनाएंगे, इसके हम एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने ब्रेड के चारों तरफ की जो साइड होती है वो ली है, और यहाँ है मेरे पास टूथपिक। इनका हम क्या करेंगे, हम इन्हें साइड में कर लेते हैं और इस तरीके से ब्रेड लेंगे, ब्रेड के स्लाइस, और इस तरीके से इन्हें राउंड करके इस तरीके से, और हम इस तरीके से कर देंगे। इसी तरीके से हम ये दूसरा भी कर सकते हैं, ये लीजिए। और जब ये इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा, हम लेंगे टूथपिक। टूथपिक से हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये लीजिए, तो इस तरीके से हम ये बना करके तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हो जाएंगे। अगर ये आपके पास इस तरीके से ब्रेड का ही आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर करके और इसे इस तरीके से करके और इसे राउंड बना करके आप यहीं पे इस पर टूथपिक लगा सकते हैं। ये लीजिए, इसी तरीके से हमें ये बना करके तैयार कर लेने हैं। तो पहले मैं इन्हें बना करके तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए, आप दो को भी स्लाइस लेकर के इस तरीके से कर सकते हैं ब्रेड के साइड, या सिंगल से भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं। इनकी शेप पे मत जाइएगा, ये खाने में इतनी टेस्टी रेसिपी है जब मैं आपको बताऊंगी ये। तो ये लीजिए, मैंने बना लिए हैं, ये तैयार हो गए हैं। अब देखिए, ये मेरे पास है चीज़, चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, आप तवे का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन है, तो ये गर्म हो गया है। अब मैं इस पर क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ। इस तरीके से बटर लगाएंगे, गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे। अब जो हमने ये बना करके ब्रेड के रखे हुए हैं, इन्हें रखेंगे। या तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं, या आप जो मैं अब इसमें करने वाली हूँ वो आप इसको प्लेट में कर करके भी तब इसे पैन में रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे रख दिया है, अब मैं यहाँ पे लूँगी ये टमाटर सॉस या पिज़्ज़ा सॉस, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर केचप ले रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगाएंगे सभी पे। ये देखिए, ये लग करके तैयार हो गया है। एक चम्मच से इसको फैला देते हैं। पहले आप इसको कर लीजिएगा और बाद में गैस को ऑन कर दीजिएगा। ये लीजिए, मैंने फैला दिया है। अब इसी के ऊपर मैं कुछ सब्जियां रख देती हूँ अपनी पसंद से, शिमला मिर्च, ग्रीन, येलो, ये लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं रखूंगी प्याज, आप अपनी पसंद से कोई सी भी सब्जियां लेकर के इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीज़, आप चीज़ कोई सी भी ले सकते हैं। ये लीजिए, सभी पे हम चीज़ को इस तरीके से रख देंगे। ये लीजिए, चीज़ भी हमने रख दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा इस पे डालेंगे नमक, तो नमक लेंगे थोड़ा सा, इस पे स्प्रिंकल इस तरीके से कर देंगे। बस थोड़ा थोड़ा करना है, क्योंकि ब्रेड में भी होता है और चीज़ में भी नमक होता है, उसी हिसाब से हमें ये करना है। अब हम डालेंगे ये चिल्ली फ्लेक्स, चिल्ली फ्लेक्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इस पर चिल्ली फ्लेक्स डाल देते हैं। ये देखिए, अब पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे ओरिगेनो या मिक्स हर्ब, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिए। बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डाल देंगे। ये लीजिए,
ये हो गया है तैयार। अब मैं इस पे थोड़ा सा कलर प्यारा सा लगे उसकी वजह से मैं रख देती हूँ इसमें रेड शिमला मिर्च, सबसे ऊपर रख दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा से कलर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे पकने देते हैं गैस की फ्लेम कम करके। तो देखिए मैंने गैस की फ्लेम को कम ही कर रखा है और मैं इसे रख देती हूँ। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हमें ढक के रख देना है। आपके पास लीड हो तो लीड से ढक दीजिए, वरना कोई प्लेट हो उससे ढक दीजिए इस तरीके से। अब इसे पकने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गई है, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। आराम से थोड़ा गर्म होगी, इतना ब्यूटीफुल कलर आया। ये देखिए चीज़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और ये सभी सब्जियां और ब्रेड अच्छी तरीके से पक चुकी है और नीचे से क्रंची भी है ये। चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही प्यारी सी ये प्लेट सजा करके तैयार कर ली है। अब हम निकालेंगे इसमें ये अपने ब्रेड के। जी ये देखिए एक तरह से ये मिनी ब्रेड पिज्ज़ा हो गया। देखिए नीचे से भी कितना क्रंची बना है ये। ये लीजिए देखिए, देखने में भी कितना मज़ेदार लग रहा है और ये एकदम क्रंची बन करके तैयार हुआ है हमारा ये ब्रेड का। वाओ। तो अब बताइए फ्रेंड्स, ये देख के आपको मुंह में पानी आ रहा है या नहीं। ये देखिए कितनी मज़ेदार ये रेसिपी है, बच्चे क्या बड़े भी नहीं छोड़ेंगे। अगर इसी तरीके से आपने पार्टी में बना लिया तो पार्टी के 4 चांद लग जाएंगे। कितनी मज़ेदार ये रेसिपी बन करके तैयार हुई है भाई, मैं तो इसे गर्मा गर्म इंजॉय करने वाली हूँ। आप भी घर पे बनाइए, बच्चों को भी दीजिए और अपने आप भी खाइएगा। बहुत ही टेस्टी है, गर्मा गर्म खाने में मज़ा आएगा। तो चलिए मेरी पार्टी तो हो गई है शुरू। तो मैं जाने से पहले, इसको ट्राई करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास ही में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो थैंक यू गाइस, वाओ।